गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। आज हम लोग जो वीडियो देखने वाले हैं वो है मिट्टी के बारे में, है ना। खूब ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। हम लोग कहानी धरती की भौतिकवादी विधि से किस प्रकार से वैज्ञानिकों ने पूरी धरती के बनने के विकास क्रम को देखा है, एक-एक वस्तु की उपयोगिता को कैसा पहचाना है, कितनी दूर तक पहचाना है ना, यहाँ तक हमने इस बात को हम समझने की जानने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं इन वीडियोस के माध्यम से। तो खूब ध्यान से सुनिएगा और मैं उसके बाद प्रश्न पूछूंगी तो आप उन्हें बताइएगा, ठीक है। चलिए, आज का एपिसोड है मिट्टी के ऊपर। मिट्टी, जिसकी वजह से धरती है हरी भरी और समृद्ध। हमारे भोजन का 98% हिस्सा आता है सीधे मिट्टी से, लेकिन धरती को धरती बनाने वाली ये परत आज खुद त्रस्त नजर आ रही है। कहीं सवाल उसके बहने का है तो कहीं प्रदूषण और कटाव का। अगर भूगर्भीय चट्टानों की गहराई की तुलना करें तो मिट्टी की गहराई बाल के बराबर भी नहीं है, लेकिन रेत, खनिज लवणों और जैविक पदार्थों से बनी इस पतली सी परत में गजब की क्षमता है। ये थामती है जिंदगी को। ना जाने कितने लाइफ फॉर्म्स या जीवों का वास है इसमें। जड़ें इसमें बैठकर पौधों को संबल देती हैं वृद्धि के लिए। इसकी उर्वरता प्रदान करती है उनको भोजन। जंगल के जंगल थमते हैं इसमें, जो भंडार हैं जैव विविधता के। धरती को धरती बनाने में मिट्टी का बहुत बड़ा योगदान है। मिट्टी एक जीवित मिश्रण है जो बनता है खनिज लवणों, जैविक पदार्थों के संयोग से। यह संगठन सरंध्र होता है जिसकी वजह से इसमें पानी और हवा भी मौजूद होती है। एक अच्छी मिट्टी के एक इकाई आयतन में 45% तक खनिज लवण, 25% हवा, 25% पानी और 2 से 5% तक जैविक पदार्थ हो सकते हैं। मिट्टी का अलग अलग रंग निर्भर करता है उसकी मातृ चट्टान के रंग पर और साथ ही उसमें किस तरह के खनिज लवण हैं। संरचना के हिसाब से हर मिट्टी के पानी धारण करने की क्षमता में फर्क होता है। अंततः यही गुण तय करते हैं कि कौन सी मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है। भारत में तरह तरह की मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी को देखने के एक बड़े पैमाने की बात करें तो उत्तर में गंगा के मैदानों में उर्वर बालुई मिट्टी पाई जाती है, वहीं मध्य भारत और निचले इलाकों में काली मिट्टी और दक्षिण और पूर्वी इलाकों में लाल मिट्टी। लेकिन हर एक मिट्टी कई अन्य उप मिट्टियों का समूह है। यकीन मानिए, आज आप जो पहाड़ देख रहे हैं वो कल ऐसे नहीं थे। हो सकता है कि ये ऊंचे हों। यहां जहां आपका मैदानी शहर है वहां लाखों साल पहले पहाड़ हों या नदियां बह रही हों। कुदरत एक बड़ा इंजन है जिसके कई हिस्से हैं।
एक हिस्सा है जो भौगोलिक सतह को लगातार घिसते काटते रहता है, और एक बड़ा तंत्र कन्वेयर बेल्ट की तरह इस कटे घिसे हुए माल को, जिसे कि हम मिट्टी कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता रहता है। एक पहाड़ी जो राज खोलती है धरती पर चलने वाली अत्यंत धीमी भौगोलिक प्रक्रियाओं के, जो हजारों साल के दौरान एक मजबूत चट्टान को मिट्टी में बदल देती हैं। हाल ही में उत्खनन या माइनिंग के दौरान काटी गई इस पहाड़ी में हैं चट्टानों की दोनों तरह की सतहें। नीचे दबी हुई चट्टानें जो तुलनात्मक रूप से नई हैं, और ऊपर की चट्टानें क्षरित हो चुकी हैं। चट्टान की ऊपरी सतह पर मौसम की मार पड़ती रहती है। चट्टानों का अप्रदन या इरोजन यहीं से शुरू होता है। दरकन की शुरुआत पानी करता है। तुलना कीजिए हाल ही कटी चट्टान की दरार और एक पुरानी दरार का। बहने के लिए पानी इन चट्टानों की परतों में मौजूद प्राकृतिक दरारों का सहारा लेता है। दरारों के पास से चट्टान का विघटन शुरू हो जाता है। हवा पानी के साथ आते बीज धीरे धीरे नमी पाकर जड़ें जमाने लगते हैं। ये सब कुछ साथ ही चलता रहता है। धीरे धीरे चट्टान की ऊपरी परत ढीली हो टुकड़ों में टूटने लगती हैं। पानी अपने साथ इस ढीले मलबे को नीचे लाता रहता है, और चट्टान की अन्य परतें भी खुलने लगती हैं। छोटे छोटे कण गुरुत्व और पानी की मदद से नीचे आते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। क्षरण या इरोजन की ये प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि हो सकता है कि हजारों लाखों साल के दौरान ये पहाड़ी यहां से गायब हो जाए। भौगोलिक स्तर पर चल रही इस प्रक्रिया के दो अंग हैं, पदार्थ का छोटे कणों में टूटना, और दूसरा इन कणों का अपने मूल स्थान से स्थानांतरण या ट्रांसफर होना। इन कणों के आवागमन का साधन बनते हैं हवा और पानी। हवा मिट्टी के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का एक बड़ा साधन है। आमतौर पर हवा की हर एक धारा में कुछ एक धूल के कण होते हैं, लेकिन कभी कभी हवा इतनी धूल साथ में ले उठती है और धूल के तूफान का रूप ले लेती है। एक तूफान एक बार में लाखों टन मिट्टी को सैकड़ों मील दूर तक इधर से उधर कर सकता है, और इस तरह की प्रक्रियाओं के दर्शन आमतौर पर होते हैं सूखे मौसमीय इलाकों में। कई बार तो मिट्टी का तूफान इतना बड़ा होता है कि उपग्रह भी उसे देख सकते हैं। लेकिन हवा के अलावा मिट्टी को स्थानांतरित करने का एक और बड़ा साधन है बहता पानी। हिमालय की घाटियां, इन घाटियों में जन्म होता है हिमनद या ग्लेशियर से बनने वाली कई नदियों का। गंगा भी ऐसी ही हिमनद से बनने वाली नदी है। ये नदियां बहने के साथ ही मिट्टी को इस घाटी से निकालने का बहुत बड़ा जरिया भी होती हैं, और मैदानों में जाकर दुनिया के सबसे उर्वर मैदान का निर्माण करती हैं। ये पहाड़ क्रमशः कमजोर तलछटी चट्टानों के बने हैं, जो बनने की प्रक्रिया के दौरान दबाववश मुड़ तोड़ गई हैं। कभी ये तलछट समुद्र का तल हुआ करती थी, जिसे दो महाद्वीपों के बीच करोड़ों वर्षों से चल रही टकराहट ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला के रूप में स्थापित कर दिया। तलछट की बनी ये चट्टानें पानी, धूप और हवा को लेकर संवेदनशील होती हैं। एक तरफ ऊपर पानी, धूप और पेड़ पौधों के साझा प्रयासों से ऊपरी चट्टानें क्षरित हो रही होती हैं, दूसरी तरफ नीचे बहती नदी भी धीरे धीरे चट्टानों को घिस रही होती है। वर्षा ऋतु घाटी में चल रही इन क्षरण और विघटन की प्रक्रियाओं को तीव्र कर देती है। बरसते पानी को सोख सोख कर मिट्टी और भी ढीली हो जाती है, और गुरुत्व और तीखी ढलानों की वजह से भूस्खलन की दर काफी बढ़ जाती है।
उधर नदी भी तेज प्रवाह के चलते चट्टानों को और ज्यादा काटती है। इस तरह जन्म लेती है दुनिया की एक सबसे उर्वर बालुई मिट्टी, जिसे अंग्रेजी में अलूवियल सॉइल कहते हैं। एक तरह से इस ऋतु में गंगा अपनी क्षमता से कहीं अधिक मिट्टी से लथपथ जाती है। एक तरह से कन्वेयर बेल्ट की तरह ये मिट्टी को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती है। एक अनुमान के अनुसार अकेले गंगा करीब 75 करोड़ टन बालुई मिट्टी प्रतिवर्ष इन पहाड़ों से निकालती है, और इसका भी सबसे बड़ा हिस्सा बहता है मानसून के दौरान। लेकिन घाटियों में खुले स्थान ना के बराबर ही होते हैं। मिट्टी के निक्षेपण या डेपोजिशन के लिए नदी को इंतजार करना होता है मैदानों में पहुंचने तक। ऋषिकेश, गंगा का मैदान में आगमन द्वार। पहाड़ों के बनिस्बत यहां नदी को फैलने का स्थान मिल जाता है और उसकी धारा भी थोड़ी धीमी हो जाती है। पानी से भरी नदी मैदान में घुसते ही फैलने लगती है, बनिस्बत कई इलाके डूब में आ जाते हैं। लेकिन बाढ़ का आना और उतरना एक प्राकृतिक चक्र है। बाढ़ में नदी के साथ आ रही उर्वर बालुई मिट्टी भी चारों ओर फैल जाती है। ये क्रम लाखों सालों से बना हुआ है। सदियों से किसान इस बाढ़ का इंतजार करते आए हैं। नई मिट्टी का मतलब है उर्वर जमीन, बढ़िया खेती और खुशहाली। मिट्टी की वजह से नदियों के मैदान वो जगह बने जहां लोगों ने पहले बसना शुरू किया। सभ्यताएं पनपी और खेती पनपी। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान खेती का सबसे बड़ा केंद्र है। ये मैदान दुनिया के सबसे उर्वर मैदानों में से है। लेकिन मिट्टी सब जगह खुशहाली नहीं लाती। उत्तर प्रदेश में यमुना किनारे बसा एक गांव जरी खुर्द। पिछले सैकड़ों सालों में शायद ही गांव कुछ बदला हो। ये गांव बसा है चंबल और यमुना द्वारा काटी गई मिट्टी से बने बीहड़ों के बीच। वही बीहड़ जो लोगों को डाकुओं और अपराधों की याद दिला देते हैं। लेकिन हकीकत में ये बीहड़ दास्तां हैं मिट्टी पर बन रहे तनाव की भी। पानी द्वारा मिट्टी का क्षरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। धरती पर वनस्पति की परत पानी की गति को कम कर मिट्टी के कटाव को कम करने का काम करती है। लेकिन जहां वनस्पति परत नहीं होती, पानी मिट्टी को काटने में कामयाब हो जाता है। कटाव की शुरुआत के पहले चरण में मिट्टी की ऊपरी परत बहती है। इस ऊपरी परत का मतलब है इसमें रहने वाले लाभकारी बैक्टीरिया, कीट मकौड़ों, जैविक पदार्थ से भरी परत का बहना। उर्वर मिट्टी का बहना खेती को ऋणात्मक तरीके से प्रभावित करता है।
आंकड़े बताते हैं कि मिट्टी की उर्वर परत के बहने से हर साल 60,000 एकड़ खेती की जमीन बंजर होती जा रही है। भूमि क्षरण के कारण पिछले 30 वर्षों में हम 30% खेती योग्य भूमि से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन कुछ क्षेत्रों में बात सिर्फ यहीं नहीं रुकती। बीहड़ बनने या कटाव के भीषण रूप की शुरुआत होती है जब इस प्रारंभिक क्षरण को बिना उपचार किए छोड़ दिया जाए। चंबल और यमुना की घाटियां मुलायम मिट्टी से बनी है जो काफी गहरे तक गई है। पहले यहां भी ऊपरी परत बही होगी और उसके बाद शुरुआत हुई अगले गहरे कटाव की। पानी नीचाई की ओर बहने की फिराक में अब नीचे की मुलायम परत को तीखा काटना शुरू करता है। पहले छोटी नालियां बनती हैं जो आसपास की मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाती हैं। अगला पानी बहने के लिए इस बनी नाली का ही उपयोग करता है और इसे और गहरा करता जाता है। क्रमशः गहरी होती नाली धीरे धीरे गली का रूप ले लेती है। जरी खुर्द में गांव वाले बताते हैं कि हर बारिश बीहड़ को और गहरा कर जाती है। चंबल की घाटियां इसी सैकड़ों सालों से चल रहे क्रमशः कटाव का उदाहरण है। एक अनुमान के अनुसार भारत की 90 लाख एकड़ भूमि बीहड़ों में बदल चुकी है। ये क्षेत्र भारत के पूरे क्षेत्रफल के 25% के बराबर है। ये क्षेत्र मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच पड़ता है। बीहड़ जीवन को इस इलाके में मुश्किल बना देते हैं। एक अनुमान के अनुसार अगर बीहड़ों से निजात पा ली जाए तो अकेले चंबल घाटी की खाद्यान्न उत्पादन क्षमता ही 30 लाख टन के बराबर है, जो कि हम एक तरह से सालाना खो रहे हैं। मिट्टी की कटान और जमीन की ढलान का सीधा रिश्ता है और कई इलाकों में किसानों ने पहले से ही इसे बखूबी समझकर इसको अपने जीवन में ढाल लिया था। पहाड़ी घाटियों में खेती करना इंसान के भूमि प्रबंधन और जीवटता की एक मिसाल है। पहाड़ी ढलाने काफी तीखी होती हैं। खेत के एक टुकड़े को बनाने में काफी समय लगता है। सीढ़ीदार खेत तीखी ढलानों को काट कर बनाए जाते हैं। इन खेतों में ऊपर की उर्वर परत बहुत पतली होती है और किसानों के लिए अत्यंत मूल्यवान भी। तीखी ढलानों के कारण बारिश की हल्की फुहार और पानी का अत्यंत धीमा बहाव भी इसे बहा ले जा सकता है। किसान कटान को रोकने के लिए अत्यंत सीधा रास्ता अपनाते हैं। छोटे छोटे खेतों की पत्थरों से मेड़बंदी की जाती है। ये मेड़ एक तरह से छन्नी का काम करते हैं। बहता पानी इनसे छनता जाता है और खेत की मिट्टी खेत में ही रुकी रहती है। मिट्टी के कटाव को रोकने का मेड़बंदी का तरीका कई इलाकों के किसान बहुत पहले से इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन जहां भी लोग इस परंपरा को भूले, इसके परिणाम घातक ही निकले। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच बसा एक गांव मिलकपुर तुर्क। गांव की पाल पर इकट्ठा हुए ये लोग चर्चा कर रहे हैं पाल के रख रखाव की व्यवस्था बनाने की। पाल के अभाव में गांव की भूमि का एक बड़ा हिस्सा कटकर बीहड़ों का रूप लेने लगा है। राजस्थान में भूमि एक तरह से रेत की बनी होती है जो ज्वार बाजरा जैसी सूखी खेती के लिए तो उर्वर होती है लेकिन पानी के कटाव को लेकर संवेदनशील। गर्मी के मौसम में रेत से लदी हवाएं अरावली पर्वतमाला से टकराती हैं और रेत को गिराती चली जाती हैं।
यही रेत यहाँ की जमीन का निर्माण करती है, जो हकीकत में काफी ढीली होती है। बरसात में पानी का हल्का सा बहाव इस रेत को काटता चला जाता है। बरसों पहले यहाँ के लोगों ने जान लिया था कि अपने खेतों की सुरक्षा का एक ही जरिया है, बरसात के पानी से पैदा धाराओं को जगह जगह रोकना। इसके लिए वो उन धाराओं के रास्ते में जगह जगह ऊंची ऊंची मेड़ों का निर्माण करते थे। लेकिन पिछले 50 सालों के दौरान आपसी सहयोग की परंपरा कम हो गई, जिसका परिणाम था कि पालें जो सैकड़ों सालों से चली आ रही थीं, खत्म हो गईं। इसी के चलते मिलकपुर और आसपास के गांवों की हजारों एकड़ जमीन बीहड़ में तब्दील हो गई। कुछ संगठनों की मदद से एक बार फिर पाल बनाने की परंपरा को जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ गांवों में इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलने लगे हैं और लोग रेत के टीलों को जमींदोज कर फिर से खेती की शुरुआत करने लगे हैं। उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में यहां की क्षरित भूमि फिर से जी उठेगी। भूमि और इंसान का रिश्ता काफी गहरा है। भूमि उर्वर है तो खुशहाली आती है, और भूमि तनाव में है तो इसका असर उस इलाके के लोगों के जीवन में भी देखने को मिलता है। भूमि एक बहुमूल्य संसाधन है, एक रक्षा कवच जिसने हमारे ग्रह को रहने लायक बनाने में मदद की है। इससे जुड़ा है हमारा भूत, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य भी। सभी को सुबह की नमस्ते, हरी हर। उम्मीद करते हैं कि आपने आज का एपिसोड खास एंजॉय किया होगा, है ना। सभी का स्वागत है। देखिए, पिछले 7 एपिसोड्स की श्रृंखला में हमने देखा कि किस तरीके से धरती आज से 4.5 अरब वर्ष पहले अस्तित्व में आती है, है ना। ढेर सारी गैसेस की एक आपस में आकर के, है ना, एक कुछ प्रकार की क्रियाएँ शुरू होती हैं, फलस्वरूप कई सारी घटनाओं के फलस्वरूप लावा इकट्ठा हो जाता है और इसके बाद एक लंबी प्रक्रिया से धरती गुजरती है, ना, जिसमें कई हजारों वर्ष की बारिश है, है ना। बहुत तरह के अमीनो एसिड्स के द्वारा प्रोटीन और प्रोटीन के द्वारा सेल्स का निर्माण है। एक लंबी प्रक्रिया से धरती गुजरी है, बहुत लंबी प्रक्रिया से धरती गुजरी है। 1,00,000 वर्ष का मनुष्य का इतिहास है, उसमें भी खेती जो है वो केवल 10,000 साल पुरानी घटना के रूप में बताते हैं। और ध्यान से देखें, अगर हम याद करें कि हमने तीसरे या चौथे एपिसोड में देखा था कि डायनासोर का आना और उस समय की लगभग सभी जो वनस्पतियां, जो पदार्थ, प्राणावस्था की जो इकाइयां थी, वो सभी, है ना, प्राणावस्था और जीवावस्था की लंबी, है ना, एक जो बहुत एक बहुत सारी प्रजातियां धरती के अंदर समा गईं, और उसके बाद वापस एक नई प्रकार की प्राणावस्था की इकाइयां और जो मैमल्स थे उनकी आगे परंपरा बनी। और आज के एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से मिट्टी जो है वो कैसे मनुष्य के लिए जैसा लग रहा है कि तैयारी कर रही है, खेती होगी इसकी तैयारी है, और
और हम बातों को अगर ध्यान से समझते हैं तो बाबा जी अक्सर अक्सर ही हर एक पुस्तक में लगभग मुझे लगता है ये बात को कहा गया है कि प्राकृतिक नियम, बौद्धिक नियम और सामाजिक नियम, है ना, इन तीनों नियमों को समझे बिना जब तक मनुष्य जीने का प्रयास करेगा और इस प्रयास पूर्वक सुखी होने का ऑफ कोर्स आकांक्षा उसके अंदर रहती है करेगा, कभी कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। तो हमने पानी के नियम समझ लिए, मिट्टी को भी समझ लिया, जांचना परखना समझ लिया, लेकिन उसके साथ जीना नहीं सीख पाए हैं। और ये तरह तरह के जो समस्याएं हम देखते हैं ना, ये इसी बात का प्रमाण है कि जीना समझ में नहीं आया है ना। हमने उसको अध्ययन कर तो लिया है, लेकिन ऐसा टूटा फूटा अध्ययन किया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, है ना। तो इस टूटे फूटे अध्ययन को पूर्णता हो जाए ऐसी हमारी इच्छा है ना। उसी क्रम में हम इन चीजों का वापस अध्ययन कर रहे हैं। चलिए, तो ये बात को कल बाबा जी ने बहुत अच्छे तरीके से पुस्तक में भी कहा कि आज का जो स्नातक हुआ व्यक्ति है वो अल्टीमेटली यही मानने लगता है कि सिर्फ उसको ही जैसे सब कुछ आता है और दुनिया में किसी को कुछ अभी तक समझ में आया नहीं है, है ना। और वो कहते हैं कि कैसे कहाँ से इतने सारे डॉक्टर लाए जाएं कि वो इन लोगों को सुधार पाएं, है ना। तो फिर वो कहते हैं कि ऐसे लोगों से शुरुआत करी जाए जो अभी समझने के लिए तैयार हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग हमारे पठन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक, चलिए हाँ जी, जी एक शेयरिंग। अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल बताइए अंकल जी। हाँ, तो ये मिट्टी का क्षरण और उससे पूरा इलाका ध्वस्त हो, यानी कि ये बिहड़ हो जाता है। इसका उदाहरण हमने काफी सालों पहले हम भरूच अंकलेश्वर के पास और नर्मदा के तट के आदिवासी इलाकों में हमारे मित्र वहाँ पे काम करते थे, तो वहाँ पे गए थे। डोडिया पाड़ा तालुका भरूच का, तो आदि जैसे जैसे वो भैया ने कहा कि आपसी सहकार का कम होते गए पिछले 50 सालों में, तो मेल बनाना बंद कर दिया। यानी कि जो युवा पीढ़ी थी वो शहर जाने लगी, तो गांव के प्रति उनका ध्यान कम रहा बिल्कुल और मेड़ बनाना कम कर दिया, यानी कि बिल्कुल बंद सा हो गया। तो जी उसके कारण वहाँ की खेती उजड़ने लगी। तो ये जो संगठन, ये सर्वोदय के भैया थे, आनंद और माइकल और ये स्वाति बहन और ये सब, तो उन्होंने वहाँ पे वापस मुहिम चलाई कि भाई हमारा ये आदिवासियों को समझाया और मेड़ बनाना और उसको ठीक रखना, ट्रक रखाव रखना शुरू किया, तो वापस वहाँ की उपजाऊता वापस आई। तो ये काम लोगों को वापस समझाना और उनकी उनके लिए ही ये जरूरी है, ये मेहनत करना, क्योंकि युवा पीढ़ी ये सब करना नहीं चाहती है। उनको इजी, यानी कि शहरों की जो चमक दमक है वो खींच लेती है, तो फिर गांव में बिल्कुल काम करने वाला कोई नहीं होता है। तो ये सब बिल्कुल कारण से वहाँ पे, तो उसने, ये लोगों ने अच्छी तरह से काम किया। ये मेरा एक शेयरिंग हुआ। बहुत 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 ही बढ़िया शेयरिंग है और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने बात करी। मैं इस पे बहुत शेयरिंग्स आज नहीं लूंगी, लेकिन कुछ बातें आपकी बातों में ऐड करना चाहूंगी। सन 2016 में मैं गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स को इंग्लिश पढ़ाया करती थी, मेरी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में रन किया करती थी उस समय। और एक दिन बातों बातों में मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा ये बताइए सरकारी लोग काम क्यों नहीं करते, है ना। आपके सरकारी लोगों की पेमेंट्स बढ़ती जा रही, उस समय 7वां या 8वां कुछ वेतन आयोग आया था, और मैंने उनसे पूछ लिया इतनी पेमेंट आप लोगों की बढ़ती जा रही है, आप लोगों का तो ऐसा लगता है कि कुछ काम ही नहीं होता। एयरपोर्ट के ऑफिसर थे, कुछ एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे, तो वो पढ़ने आते थे। तो उन्होंने एक बात बोली, बोले कि मैडम हम काम करना चाहते हैं और काम करने का पूरा प्रयास करते हैं। हम जिस तरीके के लोग होते हैं, जो भी सरकारी अफसरों में भर्ती होती है वो अक्सर बहुत
ज्यादा पढ़ाई करके आए हुए लोग होते हैं और बहुत ही मानसिक रूप से तेज व्यक्ति होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सरकारी ऑफिसर्स जो होते हैं वो होशियार नहीं होते या कम होते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन समस्या ये है कि हर 2-3 साल में हमारा ट्रांसफर आ जाता है। ट्रांसफर आ जाने के कारण होता ही है कि हम पहले 1 से 1.5 साल तक केवल उस देश को, प्रदेश को, जो स्थितियां हैं उनको समझते ही रहते हैं। पिछला ऑफिसर वास्तव में क्या काम करके गया उसको समझते रहते हैं। जब तक समझ में आता है, कुछ करना शुरू करते हैं, तब तक कुछ, मतलब कुछ कर ही पाते हैं कि फाइल वाइल में कुछ लिख ही पाते हैं, तब तक हमारा ट्रांसफर आ जाता है ना। तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है। इस बात को मैं कैसे जोड़ करके देखती हूँ कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, मैं स्वयं को उस युवा पीढ़ी में ही मानती हूँ। जैसे पहली कुछ घटनाएं उसमें मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ, हमारी पीढ़ी के साथ ये हुआ कि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात, अच्छा देखिए ये बात हमारे माता पिता, हमारे समाज, हमारे परिवारों से ही आई है कि खूब पढ़ लिख के क्या करना है, अपने देश अपनी जगह से दूर जाना है ना, बैंगलोर जाना है, अमेरिका जाना है। कुल मिलाकर के इतनी बात आई, जो सबसे होशियार, जो सबसे ज्यादा समझने के काबिल, जो ब्रेन है, जो सबसे तेज बच्चा है, उसका आप देखिए तो ब्रेन कहाँ लगा हुआ है, दिमाग कहाँ लगा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, गणित के प्रश्न सॉल्व कर रहा है, घर का कोई काम नहीं कर रहा है, अपने देश और समाज से, अपनी जगह से, है ना, स्थान से पूरी तरह से कटा हुआ है। स्पेशली मैं अपनी ही बात कर रही हूँ यहाँ पर कि कहीं ना कहीं ये बात हमारे दिमाग में आ गई थी कि भाई समय को वेस्ट नहीं करना है, लोगों के साथ जुड़ना, घुलना, मिलना, ये सब बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है ना, और ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना है। और ये सब क्या है, ये सब तो कमजोर लोग है ना, मानसिक रूप से जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वही ये खेती वगैरह का काम करते हैं, ये सब हमको समझने की आवश्यकता नहीं है। ये बात मेरे दिमाग में बहुत तेजी से बैठी थी बैक टू 2014 जब मैंने और जनक ने खेती शुरू किया। मैं यहाँ पे सिर्फ इतनी बात कहना चाहती हूँ कि जब होशियार व्यक्ति, जब समझदार लोग, जो समझने में सक्षम लोग हैं, यदि वो खेती में आते हैं, शरीर से जो हृष्ट पुष्ट हैं, देखिए खेती में देखिए ना इतने कमजोर लोग काम कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, ये एक दूसरी बड़ी समस्या है। तो जब जिनके पास खाने को है, जिनके शरीर में ताकत है, जब वो खेती में उतरते हैं ना, बहुत तेजी से बदलाव आता है ना, और उन्हें बहुत जल्दी समझ में आता है। मैंने और जनक ने 2 या 3 महीने में खेती को लगभग मास्टरी कर लिया था। तो संभावना एक बड़ी बनी हुई है, जैसे आपने कहा या हमने आज वीडियो में देखा कि समझ में आ जाएगा तो मनुष्य तुरंत चीजों को सुधार लेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। चलिए आगे हम पठन को बढ़ाते हैं। हम लोग लगभग 43rd पेज है ना, 43वां पेज जो है हम उसको इस समय पढ़ रहे हैं। विकास क्रम में भौतिक रासायनिक वस्तु के रूप में निरंतर कार्यरत है। थोड़ा ऊपर से पढ़ लेते हैं ताकि पता चले लिंक क्या था। ठीक है, हर व्यक्ति तृप्त होने के आसार में समाधान, समृद्धि, वर्तमान में विश्वास और व्यवस्था में जीना, सह अस्तित्व को प्रमाणित करना ही है। सत्य का स्वरूप इस ढंग से आया, अस्तित्व ही परम सत्य है, निरंतर रहने वाली वस्तु अस्तित्व ही है, और अस्तित्व सह अस्तित्व स्वरूप है, सह अस्तित्व ही निरंतर प्रभावशील है। फल स्वरूप विकास व जागृति प्रकट होता है, विकास क्रम होता है, विकसित हो जाते हैं, जीवंत हो जाते हैं। विकास क्रम में भौतिक रासायनिक वस्तु के रूप में निरंतर कार्यरत है। जीवन कितनी संख्या होना, इसका निश्चयन भी सह अस्तित्व सहज विधि से आता है, भ्रमित मानव क्रम से आता नहीं। अस्तित्व स्वयं अपनी विधि से चारों अवस्थाओं को प्रकाशित कर चुका है ना। प्रकाशित कर चुका है का अर्थ है कि ये चीजें विजिबल हैं, ये प्रकट हैं। जैसे हमने भी विकास क्रम को समझ रहे हैं ना, तो विकास क्रम को समझने के क्रम में देख रहे हैं, ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप चीजें आ रही हैं ना, यही अस्तित्व के क्रम का प्रकाशन है। ठीक है, अस्तित्व स्वयं अपनी विधि से चारों अवस्थाओं को प्रकाशित कर चुका है, इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। जैसे कि मैंने कल कहा था, बाबा जी हर एक सेंटेंस में हमारा जो कर्ता भाव है उसको तिरोहित करते हुए चलते हैं। मानव स्वयं को अन्य प्रकृति के साथ पूरक होने के प्रमाण के रूप में प्रमाणित नहीं कर पाया, बल्कि उल्टे शोषण करता रहा है। शोषण से मानव कैसे सुखी होने की कामना किया, यह सोचने का मुद्दा है।
एक तरफ हम अपने आप को साइंटिफिक भी कह रहे हैं, एक तरफ हम अपने आप को तर्कशील व्यक्ति भी मान रहे हैं, है ना। ऐसा मानने के बावजूद और कुछ बहुत सारा अध्ययन ठीक ठाक कर ही लिया है, उसके बावजूद कैसे हम ये कामना करने लग गए कि शोषण पूर्वक सुखी हो सकते हैं। ये हमारी मूढ़ता और हमारी मूढ़ता के स्वरूप जो विवशताएं हमने खड़ी कर ली हैं, ये सोचने का मुद्दा है। शोषण से सुखी होने के बारे में सब राज्य, सब समुदाय, सब धर्म, अधिकांश परिवार सोचते हैं। जहां तक राज्य और समुदाय की मान्यता है, शोषण पूर्वक ही सुखी हो सकता है ना। अगर ऐसा नहीं करेंगे, शोषण नहीं करेंगे, तो सुखी हो ही नहीं सकते। इस तरह की मान्यता राज्य और समुदाय में फैली हुई है। आज तक यही अंतिम बात है और विज्ञान भी इसका समर्थक है कि संघर्ष और शोषण पूर्वक ही मानव अपने अस्तित्व को बचाए रख सकता है। अस्तित्व से यहाँ मतलब अपनी जाति समुदाय से है। जिस तरह का भी आइडेंटिफिकेशन हमने कर रखा है अपने आप को, जिस जाति जिस समुदाय से जोड़ करके देखते हैं, है ना, वहां पर बस इसी प्रकार के कार्यक्रम दिखाई पड़ते हैं। संघर्ष का मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। संघर्ष करना ही विकास माना जाता है। जो देश ज्यादा युद्ध कर सकता है, ज्यादा व्यापार बुद्धि का उपयोग कर पाते हैं, ज्यादा शोषण कर सकता है, उसे विकसित देश कहा जाता है, है ना। और हमारे सामान्य भाषा में ऐसे लोगों को हम कहते हैं स्मार्ट, ना, स्मार्ट लोग। जबकि विकसित देश वही है जो जागृत हो गया है, व्यवस्था में है, समाधानित है, समृद्ध है, अपने में विश्वास करता है, स अस्तित्व को समझता है। कितनी सुंदर बात यहाँ बाबा जी बोल रहे हैं, विकसित देश की परिभाषा दे दिया उन्होंने। उन्होंने कहा विकसित देश वही है जो जागृत हो गया है, और जागृति के प्रमाण के रूप में व्यवस्था में है, समाधानित है, समृद्ध है, अपने में विश्वास करता है और सह अस्तित्व को समझता है, है ना जी छोटू अंकल। हाँ, यहाँ पे एक अभी अभी वीडियो आया था तो मैं बहुत ही रोमांचित हूँ जी। लैटिन अमेरिका का एक देश है इक्वाडोर, तो उसमें ये खबर थी कि वहां पे अमेज़न के कुछ जंगल फैले हुए हैं और उसके नीचे तेल का भंडार है। तो लोगों का लोकमत लिया गया देश में कि हमको खनन करना है या नहीं करना है। तो भारी संख्या में लोगों ने ना कह दिया कि हमको खनन नहीं करना है, हमको जो ये जो जंगल है उसको उसी तरह से, यानी कि पैसे की लालच में वो नहीं गए पूरा देश। और वो इक्वाडोर देश का अभी मेरे को, मैं शायद रखूंगा ग्रुप में भी शायद, तो ये एक अच्छी खबर आई थी। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हें तेल नहीं चाहिए, इन्हें जंगल चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। और एक व्यवहारवादी समाजशास्त्र में शायद बाबा जी कहीं लिखते हैं कि मनुष्य जिस विधि से, जैसा हमने तंत्र खड़ा कर रखा है ना, और जैसी स्थितियों में मनुष्य जी नहीं सकता है ना, लेकिन मनुष्य जीते आया। ये मुझे बहुत गजब सेंटेंस लगता है कि ये मनुष्य के अंदर की ये जिजीविषा है या मुमुक्षा है, या फिर हमारे अंदर का जो हमारा जो हाईएस्ट पोटेंशियल है उसको रियलाइज करने की जो एक प्राकृतिक विधि से ताकत हमारे अंदर रखी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति को आप अगर एक एक व्यक्ति को पूछे ना, तो एक एक व्यक्ति कभी भी आप देखेंगे ना गलत नहीं चाहेगा। उस किसी से भी आप पूछिए करना सही है कि नहीं सही है, कहेगा नहीं सही है, है ना। लेकिन उसके सामने हमने इस तरीके से उनको पैकेज करके चीजों को सामने रखा है ना मनुष्य के, तो मनुष्य का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि उसे दूरदर्शन चाहिए, दूरगमन चाहिए, दूर श्रवण चाहिए, है ना, अच्छे से अच्छा आवास, आका अलंकार, है ना, आहार, ये सब चीजें चाहिए। और उसका हमने ऐसा एक एडवर्टीजमेंट विधि से या लोगों का ब्रेन वॉश विधि से हमने कुछ एक सिस्टम बना रखा है कि मनुष्य उसमें उलझा हुआ है। लेकिन अगर आप एक एक व्यक्ति को आज भी पूछे ना, तो सही ही चाहता है। यही तो बाबा जी की बेसिक हाइपोथेसिस है, यहाँ से वो शुरू करते हैं जो हमने कल बात किया था, है ना। ये जबरदस्त है कि मनुष्य नहीं चाहेगा कि खनन हो, है ना। चलिए बढ़िया, धन्यवाद। जीवन जीवन को समझने वाला और जीवन अस्तित्व को समझने वाला तरीका भिन्न है, है ना। जहां तक भौतिक रासायनिक वस्तुएं हैं, इनको हम प्रयोग पूर्वक उपयोगिता के आधार पर पहचान लेते हैं। उपयोगिता को हम सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के रूप में पहचानते हैं,
क्या कह रहे हैं, जीवन जीवन को समझने वाला और जीवन अस्तित्व को समझने वाला तरीका भिन्न है। दो तरीके से है ना, एक तो प्रकृति प्रकृति समस्त जड़ चैतन्य इकाइयां जो सत्ता में या व्यापक में डूबी भीगी घिरी हैं, ये तो एक सत्य है। लेकिन इसमें जो जड़ को समझने का तरीका है वो कह रहे हैं डिफरेंट है, अलग है, और जो जीवन मतलब जो चैतन्य चैतन्य सत्ता को समझेगा इसका तरीका भिन्न है ना। हम प्रयोग पूर्वक कुछ चीजों को, भौतिक रासायनिक वस्तुओं को तो पहचान सकते हैं, जड़ को तो पहचान सकते हैं, लेकिन चैतन्य को इस विधि से मतलब वैज्ञानिक विधि से पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है ना, मेरा कहने का अर्थ यहाँ पे ये नहीं कि तार्किक विधि से नहीं पहचान पाएंगे, तार्किक विधि से डेफिनेटली पहचान पाते हैं। तो जहां तक भौतिक रासायनिक वस्तुएं हैं, हम इनको प्रयोग पूर्वक उपयोगिता के आधार पर पहचान लेते हैं। उपयोगिता को हम सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के रूप में पहचानते हैं। ये हम देख भी सकते हैं, जैसे हम विज्ञान में कोई भी वस्तु का अध्ययन करते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स का अध्ययन करते हैं, प्रकृति में पाई जाने वाले किसी भी एलिमेंट का अध्ययन करते हैं, तो हमेशा हम उसमें बच्चों को सिखाते पढ़ाते हुए कि लिखिए व्हाट आर द यूसेज ऑफ दिस एलिमेंट, है ना, इस एलिमेंट ये एलिमेंट मनुष्य के लिए कैसे उपयोगी। मजेदार बात यह है, हम कभी भी बच्चों को ये ना पढ़ाते हैं ना सिखाते हैं, ये ज्ञान उसके उसके भीतर हम डालते ही नहीं कि ये एक एक वस्तु एक एक एलिमेंट दूसरी अवस्थाओं के लिए भी कैसे उपयोगी है, ये हमारी शिक्षा का मुद्दा नहीं है। और बड़ी बात यह है कि हम कभी ये प्रश्न तो पूछते ही नहीं कि इन सभी एलिमेंट्स के लिए हम मानव किस प्रकार से उपयोगी हैं अथवा पूरक हैं, है ना। तो ये हिस्सा हमारी शिक्षा में हमेशा हमेशा मिसिंग रहता है, इस ये मिसिंग रहता है, और इसका प्रमाण के रूप में पोल्यूशन दिखाई पड़ता है कि मनुष्य गलत नहीं करना चाहता लेकिन उसके पास कभी भी पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं रहती कि द चाइल्ड कैन मेक सेंस आउट ऑफ समथिंग, है ना। तो ये जानबूझ करके इस प्रकार की शिक्षा को हमने रखा है। शिक्षा जो है वो फ्यूल कर रही, हम सारे ऐसे बहुत शिक्षित लोग ही, बहुत पढ़े लिखे लोग ही कुल मिलाकर के इस जो अभी सिस्टम हमने एक इकोनॉमिकल सिस्टम बना रखा है उसके फ्यूल स्वरूप ही, ईंधन स्वरूप ही तैयार हो जाते हैं, है ना। ठीक है, सामान्य आकांक्षा है आहार आवास अलंकार अर्थात साधन, महत्वाकांक्षा है दूर गमन दूर श्रवण दूरदर्शन। इनमें से अधिकांश भाग को तो पहचान लिए गए हैं, उत्पादन भी कर लिए हैं, इसको सर्वसुलभ करने का प्रयत्न भी व्यापार विधि से किए हैं। व्यापार विधि में लाभ की प्रतीक्षा रहती ही है ना। सर्वसुलभ करने का प्रयत्न जो किया है व्यापार विधि से, इसमें ऐसी कोई न्याय की अपेक्षा नहीं रही है ना। इसमें व्यापार विधि में कुल मिलाकर लाभोन्माद के विधि से ही चाहते हैं कि लोगों को सर्वसुलभ हो जाए ताकि अधिक से अधिक बिक्री हो जाए, है ना। उसके बाद उसके कैसे फल परिणाम होंगे ऐसा हम कभी विचार नहीं कर पाते। जैसे मैंने बहुत सालों पहले एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि धीरू भाई अंबानी का सपना है कि हर एक हाथ में एक मोबाइल हो जाए है ना, लेकिन उस मोबाइल हर एक हाथ में हो जाने के बाद क्या स्थितियां परिस्थितियां होंगी, ऐसा कोई कैलकुलेशन ऐसा कोई विचार कोई कंपनी करती नहीं है। जीवन का विश्लेषण क्रिया के आधार पर हम यह पहचान पाते हैं कि हम किन किन वस्तुओं की हमको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है, फिर उन आवश्यकताओं को पहचान कर हम उत्पादन करते हैं और समृद्धि का अनुभव करते हैं। जैसे ही हम समृद्धि का अनुभव करते हैं वैसे ही हम व्यवस्था में जीना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारे विद्यार्थियों को सर्वप्रथम स्वायत्त बनाने की जरूरत है और उसके बाद परिवार में प्रमाणित होने योग्य प्रवृत्ति और फिर समग्र व्यवस्था में जीने की आवश्यकता है। इन तीनों स्थितियों में प्रमाणित होना मानव का सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्यशाली बनने के लिए मानव की स्वयं स्फूर्त आवश्यकता ही एकमात्र आधार है। यदि ऐसी आवश्यकता बनती है तो इस प्रस्ताव को मनोयोग पूर्वक अध्ययन पूर्वक अपने को प्रमाणित करना सहज है ना। क्या बात है, यदि ऐसी आवश्यकता बनती है तो इस प्रस्ताव को मनोयोग पूर्वक, है ना। मनोयोग पूर्वक मतलब मनो मन को जोड़ना मन को लगाना, जैसे सुबह सुबह आप सभी लोग मन को किसी तरह से मना करके यहाँ पर पहुंच आते हैं, ये है मनोयोग, है ना। अध्ययन पूर्वक और कोई कार्यक्रम नहीं, जो बात कही है कम से कम उसको पूरा सुना जाए उसको पूरा पढ़ लिया जाए उसके बाद हम विचार करेंगे, कम से कम पहले इंफॉर्मेशन तो हमारे पास पूरी आ जाए। तो कह रहे हैं अध्ययन पूर्वक अपने को प्रमाणित करना सहज है।
हम समझने की कोशिश किए, समझदारी क्या है, समझने वाला कौन है, समझदारी के लिए वस्तु क्या है। समझने वाला वस्तु जीवन ही है, मतलब समझने वाली वस्तु इस शरीर में कहीं नहीं है या शरीर का हिस्सा नहीं है, शरीर से भिन्न कोई इकाई है, चैतन्य सत्ता है ना, चैतन्य इकाई है, उसे हम कह रहे हैं जीवन। समझने के लिए वस्तु अस्तित्व है, जीवन है एवं मानवीयतापूर्ण आचरण ही है। तीन बातें बाबा जी कह रहे हैं समझनी है। क्या? अस्तित्व। अस्तित्व मतलब सत्ता में संपृक्त इकाई, और इकाई में क्या समझेंगे, तो जिसको बाबा जी कहते हैं ना स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य, तो प्रत्येक इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म इसका अध्ययन जो है यही क्या है, वस्तुगत सत्य है ना। और स्थिति सत्य क्या है कि हर एक इकाई जो है वो सत्ता में संपृक्त इकाई है, इस रूप में स्थिति सत्य है। और वस्तु स्थिति सत्य उसका देश काल दिशा आदि को हम कहते हैं वस्तु स्थिति सत्य। तो इस रूप में एक एक इकाई का अध्ययन संभव है, इसी को बाबा जी अस्तित्व का अध्ययन कह रहे हैं। दूसरी बात, चैतन्य इकाई जो है, जड़ इकाइयों का अध्ययन एक तरफ और दूसरी तरफ रखते हैं चैतन्य इकाई का अध्ययन, जिसको कह रहे हैं जीवन का अध्ययन। तीसरी बात कह रहे हैं मानवीयतापूर्ण आचरण का अध्ययन। क्यों मानवीयतापूर्ण आचरण का अध्ययन? क्योंकि मानवीयतापूर्ण आचरण के अध्ययन, प्रयोग, व्यवहार, इसमें जब हम ले करके आएंगे तो मानव जो संस्कारानुषंगी इकाई है, इस प्रकार परंपरा में वो चीजें आगे जाएंगी और मानव स्वयं को परंपरा में प्रमाणित कर पाएगा, है ना। तो अस्तित्व को समझने के क्रम में अस्तित्व में विकास को समझना है। तो पहली जो समझने की बात है, अस्तित्व में विकास को समझना है। इसी क्रम में हम लोग हर रोज ये आधा घंटा के वीडियोस देखते हैं कि विकास को एक बार वैज्ञानिक विधि से कितना हम समझ चुके हैं, है ना। जैसे बाबा जी ने वीडियो के रूप में अपनी संयम काल में अध्ययन किया होगा, लगभग काफी हद तक उसी रूप में हम भी इस समय कर पा रहे हैं। तो ये मुझे एक बहुत रोमांचित करने वाली वस्तु लगती रही, इसलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अस्तित्व को समझने के क्रम में अस्तित्व में विकास को समझना है। विकास को समझना अर्थात प्राकृतिक नियमों को समझना है ना, रासायनिक और भौतिक रचना विरचना को समझना है, इनके प्रयोजन को समझना है। रासायनिक और भौतिक रचना विरचना पदार्थावस्था और प्राणावस्था के रूप में अस्तित्व में विद्यमान है ना। आज हम जैसे वीडियो देख रहे थे तो हम देख रहे थे रासायनिक और भौतिक रचनाएं किस प्रकार बदल रही है ना, जैसे कोई पहाड़ कैसे मिट्टी बन रहा है ना। विरचना पदार्थावस्था और प्राणावस्था के रूप में अस्तित्व में विद्यमान है। ये सभी वस्तुएं एक स्वरूप में होकर दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे पेड़ पौधे कुछ काल अर्थात कुछ समय पश्चात स्वयं सूख कर मिट्टी बन जाते हैं, इसी का नाम परिवर्तनशीलता है। तो ये इकाइयां आपस में एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट हो रही हैं, ये भी बात है। यह परिवर्तन भौतिक रासायनिक पदार्थों में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी तरह मानव एवं पशु शरीर रचना गर्भाशय में रचित होते हैं एवं कुछ काल पश्चात विरचित होकर मिट्टी, पानी, हवा में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। देखिए बढ़िया। इसके बाद समझने वाली वस्तु, जीवन हमेशा एक सा रहता है, ठीक। तो एक तो बात हमने देखा, जड़ और चैतन्य में एक भेद ये समझ में आता है कि जो चैतन्य इकाई है, मतलब जो जीवन परमाणु है, उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं। एक बार गठन पूर्णता हो गई तो उसके आगे क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता ही होने वाली चीज है, उसमें कोई बदलाव होते नहीं है। मानव शरीर में समझने वाली वस्तु केवल जीवन ही है। समझने के रूप में अस्तित्व को सह अस्तित्व के रूप में ही समझा गया, और समझने के रूप में अस्तित्व को कैसा समझना है, सह अस्तित्व के रूप में समझना है। सह अस्तित्व किसका? तो इकाई और सत्ता का, इकाई और व्यापक, इसका ही सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व के नजरिए में ही संपूर्ण परिस्थिति में हम व्यवस्था पूर्वक जी पाते हैं। व्यवस्था में जीना ही मानव का लक्ष्य है। व्यवस्था में जीना ही सुख है। अव्यवस्था में जीकर जीवन समस्या से पीड़ित होता है, फलस्वरूप समाधान की खोज स्वाभाविक है। जीवन में निरंतर शोध अनुसंधान प्रवृत्ति होता ही है। ये सब हम अपने ही अपने एक्सपीरियंस से कह सकते हैं कि हम अपने जीवन में चीजों को खोजते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ एक प्रवृत्ति हमारे भीतर बनी ही रहती है। जीवन ही नहीं, जड़ परमाणु में भी अनुसंधान होता रहता है। क्या बात, ध्यान से देखिए, कह रहे हैं जीवन ही नहीं, जड़ परमाणु में भी अनुसंधान होता रहता है। यही परिवर्तन के लिए कारक तत्व है
है ना। तो ये जो जड़ परमाणु के अंदर भी एक प्रवृत्ति है ना, अपने आप के अंदर कुछ किसी ना किसी प्रकार के बदलाव करते रहने की, इसी के कारण से हमें क्या दिखाई पड़ता है, परिवर्तन दिखाई पड़ता है ना। हम देख पाते हैं कि कहीं कोई परमाणु है, अंशों की कमी के कारण कहीं उनके अंदर एक प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है कि वो एक बॉन्ड बना लेते हैं। फिर इस तरीके से बने हुए जो हमारे पास तृप्त परमाणु बन गए, कुछ ये यौगिक बना लिया इन्होंने, यौगिक बनाने के बाद उसमें कुछ और परिवर्तन होते दिखाई रहता है। तो बाबा जी कह रहे हैं ये जो प्रवृत्ति है ये जड़ परमाणु में भी बनी रहती है, उसी के कारण क्या है, यही परिवर्तन के लिए कारक तत्व है। हर जगह स अस्तित्व में होने की प्रवृत्ति है। परमाणु अंश भी स अस्तित्व होने की प्रवृत्ति वश ही परमाणु के रूप में और परमाणु अणु के रूप में गठित होते रहते हैं, है ना। जैसा कि मैंने कहा कि परमाणु अंश अपने आप को एक स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करते रहते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ ही गति है, स्थायित्व की तरफ ही गति है ना। तो हम भी अपने स्थायित्व, हमारा स्थायित्व कहाँ है, सुख शांति संतोष आनंद परमानंद, यहाँ पर हमारा स्थायित्व है, हम भी उसकी तरफ गति थे। इसी प्रकार प्रत्येक परमाणु में भी एक स्थायित्व की तरफ गति दिखाई पड़ती है। स्थायित्व को ले आने के लिए ही अंश जो है वो गठन को स्वीकार करते हैं ना, और इस प्रकार परमाणु से अणु, अणु से यौगिक आदि बनते ही रहते हैं, है ना। कितनी सुंदर बात है ये, है ना। परमाणु के अध्ययन के स्वरूप ही मुझे लगता है जीवन परमाणु का भी अध्ययन सहज रूप से होता जाता है। कम से कम मुझे तो बहुत ये रोमांचकारी लगता है। ठीक है, फल स्वरूप समाधान की खो अच्छा समझने के रूप में अस्तित्व को, सॉरी, हर जगह स अस्तित्व में होने की प्रवृत्ति है। परमाणु अंश भी स अस्तित्व में होने की प्रवृत्ति वश ही परमाणु के रूप में और परमाणु अणु के रूप में गठित होते रहते हैं। अणु भी इसी प्रवृत्ति वश अणुपिंडों के रूप में गठित होते रहते हैं। इस तरह से अनंत ग्रह गोल अस्तित्व में होने की बात आदमी को समझ में आती है। तो मतलब एक-एक परमाणु अंश अपने भागीदारी को इस प्रकार सुनिश्चित करता है ना। इस तरह से अनंत ग्रह गोल अस्तित्व में होने की बात आदमी को समझ में आती है। जड़ प्रकृति में विभिन्नता का मूल रूप परमाणु में निहित परमाणु अंशों का संख्या भेद ही है। तो कह रहे जड़ प्रकृति में जितनी विभिन्नताएं हैं ना, उसका मूल क्या है, तो उसका मूल यही है कि परमाणु अंश जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, आवर्त सारणी, अगर आपको याद हो, आपने क्लास 8th 9th 10th कभी ना कभी अगर पढ़ी हो, तो कह रहे हैं कि जो इतने 120 प्रकार के जो स्थाई परमाणु हमको दिखाई पड़ते हैं, उसमें भेद का कारण क्या है, मात्र ये कि कहीं एक अंश ज्यादा है कहीं एक अंश कम है। तो अंशों की भिन्नता के कारण, है ना, उसके जो क्रियाकलाप हैं, जो उसका गुण है, स्वभाव धर्म, सॉरी स्वभाव धर्म तो सेम ही रहता है ना, उसका रूप और गुण दोनों हमें भिन्न दिखाई पड़ता है। ठीक है, रूप मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, गुण मतलब वो किसी परस्परता में कैसा व्यवहार करता है, इसको हम गुण कहते हैं। ठीक है, और बाकी तो स्वभाव के रूप में हम जानते हैं कि उसमें परिमाणानुषंगी मतलब उसमें कितने अंश हैं, उसके आधार पर जड़ जो है वो अपने रूप गुण को बदलता है। ठीक है, सॉरी, हाँ, स्वभाव के रूप में अस्तित्व स्वभाव है, सॉरी, अस्तित्व स्वभाव है, और धर्म के रूप में परमाणानुषंगीयता उसका धर्म है। ठीक है, मैंने पहले उल्टा बोल दिया था। अच्छा, आगे देखते हैं। जड़ प्रकृति में विभिन्नता का मूल रूप परमाणु में निहित परमाणु अंशों का संख्या भेद है। इन विविध वस्तुओं की विविधता के आधार पर, स्थापना के आधार पर ही इनसे रचित रचनाओं में विविधता का होना पाया जाता है। तो यहीं से वैरायटी निकल के आती है। जैसे वनस्पतियों में अनेक प्रकार की रचनाएं हैं, जिन जिन रचनाओं से रचित वस्तुएं हैं वे अपने स्वाभाविक रूप में अपने स्वरूप में वैभवित हैं। उसका एक भौतिक प्रयोजन है जो सह अस्तित्व में भागीदारी ही है ना। उसका भौतिक प्रयोजन क्या है, सह अस्तित्व में भागीदारी है। रचना के मूल में जो द्रव्य हैं वे भी सह अस्तित्व में होने की ही महिमा है। रचना के मूल में जो द्रव्य हैं, है ना, वो भी क्या है, सह अस्तित्व में होने की ही महिमा है। तो रचना के मूल में द्रव्य क्या है, तो प्रोटीन वगैरह यही द्रव्य है ना। इस महिमा के आधार पर संपूर्ण अस्तित्व विद्यमान है, प्रमाणित है, प्रकाशित है।
विद्यमान है मतलब सदा सदा बना हुआ है, प्रमाणित है ना, और प्रकाशित है, प्रकाशित मतलब हर हमेशा विजिबल है, और प्रमाणित है, प्रमाणित है का क्या अर्थ हुआ, प्रत्यक्ष है ना, यहाँ पर प्रमाणित है। इस अस्तित्व में ही मानव एक भाग है और इसी प्रत्यक्षता के स्वरूप मानव क्या है, उसका एक भाग है। स अस्तित्व में मानव अविभाज्य है, स अस्तित्व को छोड़कर मानव कहीं भाग नहीं सकता। भागने की जितनी कोशिश किया उतना ही परेशान हुआ। हर आदमी अपने में समाधान चाहता है, उसके लिए हर आदमी शोध करता है। और आज हमने जाना कि शोध करने की प्रवृत्ति, अनुसंधान करने की ये प्रवृत्ति हर एक परमाणु में है। हर एक परमाणु क्या, हर एक परमाणु अंश में रखी हुई है ना। हर व्यक्ति व्यवस्था शोध करने का अधिकारी है। हर व्यक्ति जब शोध पूर्वक ही जीता है तब इसमें व्यक्ति को कर्म स्वतंत्रता अपने आप समझ में आता है। शोध का उद्देश्य स्पष्ट है, जीने का उद्देश्य स्पष्ट है। जीने का उद्देश्य एक ही स्थान पर ध्रुवीकृत होता है कि मानव सुख से जीना चाहता है। सुखी होने के लिए प्रक्रिया एक ही है। जीवन का उद्देश्य, मानव का उद्देश्य संपन्न होना चाहिए। तो जीवन का उद्देश्य क्या है, सुख शांति संतोष आनंद। मानव का उद्देश्य क्या है, समाधान समृद्धि अभय और स अस्तित्व। समझदारी से जीवन का उद्देश्य संपन्न होना चाहिए। समझदारी से जीवन का उद्देश्य पूरा होता है, जीवन तृप्त होता है, और तृप्त जीवन ही मानव के उद्देश्य अर्थात समाधान समृद्धि अभय स अस्तित्व प्रमाण को बनाए रखने में समर्थ होता है। प्रमाण को बनाए रखने का अर्थ है परंपरा के रूप में किसी चीज का दिखाई पड़ना, ठीक है। यही व्यवस्था में जीने का प्रमाण है। व्यवस्था में जीता है, चारों लक्ष्य उपलब्ध रहते हैं, है ना। ऐसी मानव परंपरा एक दूसरे के लिए उपकारी होती है। एक दूसरे को समझदार बनाना ही उपकार है। फलस्वरूप स अस्तित्व का अर्थ परंपरा रूप में सार्थक हो पाता है। मानव परंपरा में स अस्तित्व को वर्तमान में बनाए रखना ही व्यवस्था है। स अस्तित्व के विपरीत जब भी कुछ होता है तो व्यवस्था में गड़बड़ी होती है, ठीक है। मानव कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता वश कुछ भी गड़बड़ कर देता है। जैसा धरती को बहुत तंग किया गया, ये पता नहीं था कि इस गड़बड़ी से क्या परेशानी हो सकती है। जब पता चला तो उसका उपाय नहीं रह गया। कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता वश ही मानव शोध अनुसंधान रत रहता है। शोध और अनुसंधान तभी सार्थक होता है जब वह व्यवस्था के लिए हो, समाधान समृद्धि अभय और स अस्तित्व के लिए हो। समझदारी से आदमी स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी हो जाता है। इनको सद्गुण कहा जा सकता है और इन सद्गुणों के साथ ही मानव सामाजिक होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पठन। बहुत सुंदर बातें बाबा जी ने आज कही है ना। एक तो ये बात कही कि जो शोध और अनुसंधान की जो प्रवृत्ति है वो एक एक परमाणु अंश में निहित है। तो इसका मतलब है शोध और अनुसंधान की जो प्रवृत्ति है इसका कारक कौन है, तो सत्ता ही इसका कारक है। जो व्यापक सत्ता है ना, यही इसका कारक है। इसमें डूबे भीगे घिरे होने के कारण ही हम में सभी में ये प्रवृत्ति है। उसका ये भी अर्थ है जो चैतन्य इकाई जो हम हैं, हमारे भी जो एक एक अंश है ना, जो मन वृत्ति चित्त बुद्धि जिस समुच्चय को हम कह रहे हैं, उसमें जो एक एक अंश है वो इसी प्रवृत्ति वश है ना, हमारे अंदर ये जो गति बनी हुई है ये बनी हुई है। हम भी कुछ शोध अनुसंधान तो कर ही रहे हैं। सुख पूर्वक जीने की प्रवृत्ति हमारे अंदर दिखाई पड़ती है। स्थायित्व के लिए हम भी प्रयासशील हैं ही, ठीक है। बढ़िया। हाँ जी छोटू अंकल। हाँ जी, तो बहुत बढ़िया। अणु परमाणु में शोध की प्रवृत्ति है और यौगिक संगठन से अलग अलग पदार्थ बनाते रहते हैं। तो फार्मेसी का जो अभी पूरा जो फार्मेसी इंडस्ट्री है, तो एक गुणधर्म मालूम पड़ता है, फिर वापस उसको थोड़ा सा चेंज करके उसका अगला अपडेटेड वर्जन ऑफ द मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर अपडेटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसके संगठन विघटन को कैसे जोड़ जाड़ तोड़ ताड़ करके
यही प्रवृत्ति आज चल रही है। और आयुर्वेद जो है सदियों से उन्होंने जो भी ऋषि मुनियों ने और हमारे पूर्वजों ने जो भी देखा, संशोधन किया, अन्वेषण किया, और ग्रुप गुण के आधार पर उन्होंने सब चीजों का काफी अध्ययन किया वात पित्त कफ के स्वरूप में, और सभी काफी वनस्पतियों में। आज भी हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो नए नए फार्मेसी के मॉलिक्यूल है वो ज्यादा घातक होते हैं दूसरी साइड इफेक्ट में रूप में, जबकि आयुर्वेद में शायद उसका समाधान बहुत अच्छी तरह से मिल सकता है। तो अभी आधुनिक समय में ये जानना जरूरी है कि ये अन्वेषण काफी हो चुके हैं, तो उनको कैसे स्थिरता मिले और मानव जात वो समझ सके। बस देखिए, जब तक वर्तमान में विश्वास और व्यवस्था में विश्वास नहीं होगा ना, ये घटना नहीं घटेगी। क्या अर्थ है वर्तमान में विश्वास और व्यवस्था में विश्वास होने का, कि जो प्रकृति में बना है ना मनुष्य के लिए, सारी तैयारी होकर के हमको कुछ मिला है। हम उन चीजों का अध्ययन करने जा रहे हैं, हम उन चीजों का सृजन कर रहे हैं जो अस्तित्व में घटी नहीं है, है ना। हमको ये विश्वास है ही नहीं, हम कहीं ना कहीं अविश्वास में जी रहे हैं, इसी बात का प्रमाण है। इस प्रकार के जो शोध है ना, ये वास्तव में अविश्वास का प्रदर्शन है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो चीजें हैं नहीं, उनका अध्ययन करने का हम एक प्रयास कर रहे हैं, उनको बनाने का, उनको ले आने का जो प्रयास है ना, वो व्यवस्था में अविश्वास ही है। कि ये जो कुछ घटा है ये पर्याप्त नहीं है, अभी हम कुछ और नया बनाएंगे। और ये हमारे अंदर का ये जो अहंकार या जो कर्ता भाव है ना, इसकी भी पराकाष्ठा है। पूरा विज्ञान इससे त्रस्त है ना। एक जगह कहीं पर है, प्रमत्त और दग्ध, है ना, कर्म दर्शन में। मैं अपने आप को जब हम ये सब चीजों को देखते हैं ना, हम इसमें दग्ध हैं, फंसे हुए, वी आर स्टक इन इट। ये हमारी मूढ़ता है, और मूढ़तावश हमारी व्यवस्थाएं हैं, जिसको मैंने कल बात कही थी ना, कि हम कितने मूढ़ हैं, ये हम किस प्रकार से कल्पनाएं कर रहे हैं। इस तरीके की चीजों को हम लैब में बना बना के सोचते हैं, कुछ हम ऐसा बना लेंगे जो एकदम कुछ कुछ अलग ही कुछ कर देगा। मुझे पता नहीं किस तरह की कल्पनाएं हम कर रहे हैं, और ऐसी कल्पनाओं से मानव ने सुखी होने का प्रयास किया है, करते ही चला जा रहा है, और हर बार फेल होते चला जा रहा है। लेकिन वही बाबा जी कहते हैं ना, गलतियों से मनुष्य कब सीखा है। सही का अध्ययन करना पड़ेगा, सही का अध्ययन करने के फल स्वरूप व्यवस्था में विश्वास होगा कि ये जो कुछ घटा है ना प्रकृति में, एक एक चीज जो स्टेप बाय स्टेप घटी है, वो हमारे यहाँ पर आने के लिए और आने के बाद जागृति के लिए घटी है ना। इस प्रकार से व्यवस्था में विश्वास दिखाई पड़ेगा। नहीं, अभी इसमें एक मैं जोड़ जी दूँ, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ, शायद निमिषा बहन भी है जी डेंटिस्ट्री हाँ में। तो जो नए नए अन्वेषण, समझो हमारे पहले जो सुश्रुत के समय में जो कैथरेक्ट का ऑपरेशन होता था तो उसको नीचे ढाल देते थे, जो पत्थरी हो जाता था, लेंस पत्थर समान हो जाता था, उसको नीचे ढाल देते थे। उन्होंने शलाका भी शोधी, उनका इंस्ट्रूमेंट भी शोधा, किंतु उससे फिर काफी आंखें चली जाती होगी, ये भी ध्यान में आया। तो फिर उसको बाहर निकालने का, फिर अभी उसको फेको सर्जरी, फिर उसको अभी लेंस उसमें बिछाने का, फिर उसमें मल्टीफोकल लेंस आया। यानी मैं अपने मेरे जीवन काल में मैं ये सब देख रहा हूँ कि जी ये जो अन्वेषण है तो यदि प्रयोजन पूर्वक उसको हम समझ पाते हैं तो उपयोगी है। बिल्कुल, जैसा कहा ना आज बाबा जी ने लाइन में लिखा, समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व के लिए जो भी शोध अनुसंधान है वो सब बढ़िया ही है। तो उसमें मूल में क्या रहती, तो मूल में मानसिकता रहती है। किस मानसिकता से किसी कार्यक्रम को हम करने लग गए, है ना। अगर व्यवस्था में विश्वास विधि से नहीं, जैसे हम अस्तित्व में सब कुछ है, उसको हमें क्या करना है, पहचानना और निर्वाह करना, इतना ही कार्यक्रम करने की चीज है। तो जानना मानना हो जाए, ये मानसिकता का भाग है, उसके बाद पहचानना निर्वाह करना स्वयं स्फूर्त होगा। बहुत सारी चीजें हम विज्ञान के द्वारा बहुत सारी अच्छाई तक पहुंचे ही हैं,
जैसे मोबाइल जो आया वो बहुत अच्छी चीज हुई, लेकिन हाँ सबके हाथ में मोबाइल को दे दिया गया बिना ये सोच विचार किए कि भाई इसको आवश्यकता है भी कि नहीं है, क्या चीज सही होगी, है ना। लोगों ने अपने जीवन के कोई लक्ष्य रख लिए, कोई विजन ले लिया, कोई मिशन ले लिया और उस पे निकल पड़े। अब सबके हाथ में मोबाइल है, वो समस्या की जड़ बन के खड़ा हो गया इस समय, है ना। तो इस प्रकार से जो ठीक है, बहुत सर्वशुभ की मानसिकता है, सर्व सुलभ हो जाए, ये सब मानसिकताएं ठीक है, लेकिन ये सारी अधूरी मानसिकताएं हैं, है ना। उसका हम जो देखिए, जागृत व्यक्ति और अजागृत व्यक्ति में इतना ही भेद है कि जो जागृत व्यक्ति है ना, वो किसी भी कर्म के फल प्रभाव, है ना, सब चीज को देख पा रहा है, पांचों आयाम में देख पा रहा है, कर्ता कारण कारण, है ना, कर्म फल प्रभाव, पांच आयाम में उसको चीजें दिखाई पड़ती हैं। एक अजागृत व्यक्ति को ये पांचों आयामों में आयाम देख ही नहीं पाता, उसकी वो क्षमता ही नहीं है। तो उस क्षमता का विकास शिक्षा का कार्यक्रम है ना, इसको बाबा जी कह रहे हैं। इस विधि से व्यवस्था में विश्वास बनता है, तो उसके प्रति एक हम प्रो हो करके उस चीज का अध्ययन करते हैं। वी आर प्रो नेचर, है ना। हम उस व्यवस्था को देखिए, अल्टीमेटली अगर आप देखें ना, पूरकता के रूप में मनुष्य के पास करने के लिए कुछ बचा नहीं है। मनुष्य के पास चीजों का संरक्षण और संवर्धन, वो भी अपनी आवश्यकता अनुसार, इतना ही कार्यक्रम है। मनुष्य क्या कर लेगा, है ना। धरती में मिट्टी बनी रही है, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं ही, जीव जानवर हैं ही, सिर्फ हमारे पास संरक्षण और संवर्धन का कार्यक्रम है, उतना भी हम ठीक से कर नहीं रहे हैं, उसमें भी शोषण में चले गए, है ना। तो ये स्थितियां हैं। चलिए, बढ़िया रहा डिस्कशन जी। हाँ, और मैं चाहूंगा, यानी मेरा ये परिचय नहीं है, हमारे साथ में जो जुड़े हैं बाकी सबका तो परिचय है। ये एक पटेल, कौन, सुरेश, आपने कल लिखा था सुरेश पटेल, यानी ये जी भैया आपका, आपसे परिचय है या तो भैया देंगे अपना परिचय। अच्छा, सुरेश पटेल भैया आपका परिचय दे दीजिए, है ना। सुरेश पटेल भैया, आप सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करके थोड़ा आपका परिचय दे दें, कहाँ से जुड़े हुए हैं। ठीक है छोटू अंकल, ठीक है, ठीक ठीक, है, चलिए, ओके। तो आज के लिए इतना ही, है ना, मिलते हैं कल सुबह ठीक 7:30 बजे। नमस्ते, हरिहर। नमस्ते सभी को।